Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों नमस्ते आदाब सत श्री एंड वेलकम टू testbook.com तो SSC CHSL मॉडल पेपर 2 25 क्वेश्चन की धुआंधार क्लास आपको यहां पर सब कुछ बताने वाली है कि आपकी तैयारी कैसी है कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसी तर्ज पर

शेयर कर देते हैं और उनको बोल देते हैं कि भैया आ जाओ यहाँ पर ये पच्चीस क्वेश्चन की धमाकेदार क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है एक से लेकर के पच्चीस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब जानते हैं तो फटाफट से जिन लोगों ने यहाँ पर सेशन को शेयर कर दिया वो थमसअप बना के भेज देंगे और जो लोग यहाँ पर ऑडियो वीडियो अच्छा आ रही है वो भी थम्सअप बना के भेजेंगे तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं चलिए तो बहुत सारे लोगों को अच्छे से ऑडियो वीडियो आ रही है और वो सेशन को शेयर कर चुके हैं चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और वो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आपसे पूछना चाहता है कि खारी रिवर एंड द मिथाई रिवर राइजेस इन विच रिवर हमारी जो खारी रिवर है और मिथाई रिवर ये दोनों कौन से नदियों को जन्म दे रही है दैट वॉज द बेड़च लूनी नदी बाड़ी नदी या चंबल नदी जल्दी से जनता बताएगी देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं रिवर सिस्टम और हमारा ये जो सी का एग्जाम होगा ये हमारा जो है ये कई सारी शिफ्टों के बाद हो रहा है हमारा जो बोल सकते हैं कि हार्डनेस लेवल है या डिफिकल्टी लेवल है वो हमको अच्छा खासा दिखने वाला है यहां पर जनता बोल रही है सर यहां पर सही जवाब होना चाहिए हमारी ये जो नदी है इस नदी का नाम शायद बहुत सारे कम लोग इसका जवाब देने वाले हैं इस नदी का नाम है बांडी रिवर बांडी रिवर जो है ये हमारी राजस्थान में निकलती है जो कि खारी नदी और मिथाई नदी के मिलने से बन रही है तो गैस ये बांडी रिवर अगर हम लोग देखेंगे तो यह लूनी नदी की सहायक नदी है मात्र 45 किलोमीटर बहती है और जा करके लूनी नदी में मिल जाती है लेकिन एग्जाम में जब हमारा जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछेंगे और ये पाली डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है तो बांडी रिवर इज द राइट आंसर जितने लोग यहाँ पर बांडी रिवर बोल रहे हैं उन सभी लोगों का जवाब केवल सही है और ऐसे बहुत कम कैंडिडेट है अगर कहीं हम लोग लूनी रिवर की बात करें तो ये हमारी राजस्थान के अजमेर की पहाड़ियों से निकल रही है और उसके बाद से रण ऑफ कच्छ में जाकर के सूख जाती है चंबल की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश में विंद की पहाड़ियों से निकलती है और जाकर के यमुना नदी में मिलती है ये यमुना नदी में जाकर के इटावा यूपी में मिल जाती है याद रखिएगा इटावा यूपी में पजनदा नाम की एक जगह है जहां पर ये यमुना में मिल जाती है क्योंकि वहां पर पांच छोटी छोटी सी नदियां आकर के हमारे यमुना रिवर में मिल रही है तो गाय हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है हमारी पृथ्वी पर मोस्ट एविडेंट मटेरियल कौन सा है पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल हम देखेंगे सिलिकॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या आयरन जल्दी से जनता यहां पर पिक करेगी देखते हैं कितने लोगों को सही जवाब पता है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल देखने को मिलेगा तो जनता यहां पर जल्दी से फटाफट से पिक करो क्या होना चाहिए तो यहां पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है क्रस्ट का मतलब है पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण है वहां पर जो सबसे ज्यादा हमारा मटेरियल मिल रहा है वो है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है कई लोग सोच रहे होंगे कि सर सिलिकॉन होना चाहिए है ना सीमा होना चाहिए लेकिन हमारे पूरे एटमॉस्फेयर और अगर हम सबको काउंट करेंगे तो हमारी क्रस्ट पर सबसे ज्यादा जो मटेरियल है वो है ऑक्सीजन तो हमको यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर टिक करना पड़ेगा आपको याद रखना है अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमारा जो ओवरऑल अर्थ की बात कर देगा सिर्फ क्रस्ट नहीं ओवरऑल अर्थ की बात करेगा कि पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा मटेरियल कौन सा है तो पूरी अर्थ पर सबसे ज्यादा मटेरियल है आयरन अगर उसने पूरी अर्थ होल अर्थ की बात कर दी पूरी क्रस्ट मेंटल कोर सबकी तो वहां पर आयरन हो जाएगा तो यहां पर ऑक्सीजन वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आगे की तक चलते हैं स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर को मापने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड स्केल है वो कौन सा है दैट द गैस स्केल 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 मरकरी रेजिस्टेंस या थर्मोकपल जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए टेम्परेचर आजकल बड़ा चर्चा का केंद्र रहता है क्योंकि अब हम लोग जहां पर भी जाते हैं पहले ही वो लगा करके टेम्परेचर चेक करते हैं भैया टेम्परेचर तो ज्यादा नहीं है <clears throat> आप ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है तो गाइज हमारा जो बोल सकते हैं कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो आजकल कई सारी चीजें आ गई हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हमारा मरकरी स्केल है तो मरकरी स्केल जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं वो हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा जिसकी जो रेंज है रेंज भी आपसे पूछा सकता है माइनस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस से लेकर के माइनस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस आप लोग यूज कर सकते हो से लेकर के तीन सौ छप्पन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मीजर कर सकते हो लेकिन अगर मैं इसी को में बदलूंगा तो फॉर हाइट में सकता है अगर तो मैं मरकरी की जगह पर किसका इस्तेमाल करूंगा एल्कोहल का क्योंकि एल्कोहल का हमारा जो है फ्रीजिंग uh, पॉइंट uh, uh, होता है वो बहुत कम होता है तो अगर आपको बहुत कम टेम्परेचर को मीजर करना है तो आप मरकरी की जगह पर हाँ, एल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हो तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा मरकरी स्केल जितने लोग यहां पर मरकरी स्केल बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं लेकिन अगर मुझे जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे कम टेम्परेचर को मेजर करना है लेस टेम्परेचर को पोल में जाकर के मतलब ध्रुवी क्षेत्र में टेम्परेचर मेजर करना है तो एल्कोअल्परे थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे लेकिन मुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना है इंडस्ट्रीज में जाकर के बहुत ज्यादा मतलब 1500-1600 डिग्री टेम्परेचर मेजर करना है तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस स्केल थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे जब ज्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल करना होगा तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है उस जहाज का नाम बताना जी क्लास में कि नहीं उस जहाज का नाम बताओ नीरज जिसके विलियम हॉकिंस हमारे हिंदुस्तान में पहली बार कदम रखे थे Dragon, Oseandar, Grabial, या जवाब देने वाले फटाफट से जवाब दो ये 25 क्वेश्चन की क्लास आपके एग्जाम में जरूर जो है वो इंपैक्ट क्रिएट करेगी सभी के सभी हमें क्वेश्चन यहां पर करना पड़ेगा बिल्कुल तो यहां पर रितिका बोले सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर एट मतलब रेड ड्रैगन होना चाहिए ऐसा रितिका का मानना मेरा नहीं ऐसा मानना है यहां पर रोहित का मानना है कि सर होना चाहिए हेक्टर नीरज का मानना है सर हेक्टर होना चाहिए रूपम का मानना है सर गैब्रेल होना चाहिए ठीक है देवी का मानना है सर हेक्टर होना चाहिए लेकिन सुभाष सुबह सुभा, अगर हम लोग यहाँ पर सही जवाब की बात करें तो यहां पर हेक्टर इज अ राइट आंसर गाइस अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो विलियम हॉकिंस जो है वो हमारे हिंदुस्तान में आने वाले सबसे पहले अंग्रेज थे जो 1608 में जहांगीर के दरबार में आए तो जहांगीर ने जो है वो इनका स्वागत किया लेकिन इनको पजेशन नहीं दिया सूरत में सबसे पहले आए और इनके जहाज का नाम था हेक्टर जितने लोग यहां पर हेक्टर बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है हेक्टर नाम के जहाज से विलियम हॉकिन सोलह में जहांगीर के कोर्ट में आए थे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी लेकिन इनको व्यापार करने का पजेशन नहीं मिला सूरत में। आगे तब चलते हैं। आदित्य वर्धन, राज्यवर्धन नरवर्धन या परमेश्वर वर्धन गाइज हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं पुष्प विभूति वंश की कौन से वंश की पुष्प विभूति वंश की या इसी को हम लोग वर्धन वंश बोलते हैं गाइज हमारे जो प्रभाकर वर्धन है ये वर्धन वंश के पुष्प विभूति के बाद राजा बने और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया थानेश्वर को किसको थानेश्वर को अब इनके दो बेटे थे एक का नाम था जैसा कि तुम लोगों ने बताया कि सर एक का नाम था क्या होना चाहिए बताओ भाई हमारा आदित्यवर्धन दूसरे का नाम था हमारा बिल्कुल हमारे राज्यवर्धन तो इन दोनों के बाद तीसरे के बेटे का नाम था हमारा हर्षवर्धन इन्होंने अपनी कैपिटल को हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर ली कहां पर इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली कन्नौज में तो किसने अपनी कैपिटल कन्नौज शिफ्ट की थी थानेश्वर से तो वो हर्षवर्धन थे जिनको हमारे हाँ नर्मदा नदी के किनारे हार का सामना करना पड़ा था पुल के सिंध से पा का मतलब है पुल के सिंह तो ये सारी की सारी चीजें हमको याद रखनी है आगे तब चलते हैं आदित्यवर्धन के बाद यहां पर एक क्वेश्चन है हमारा बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स से देखते हैं आप लोग करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हो कि नहीं समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 को किसके सहयोग से Unit, द्वारा प्रकाशित किया गया इंटेलिजेंस यूनिट इन कोलैबोरेशन विद द गूगल फेसबुक यूट्यूब या ट्विटर देखते कितने तो लोग बताने वाले हैं भैया करंट अफेयर्स जैसे ही आता है आधे लोगों के जो बैक्टीरिया है वो मरने लगते हैं कि सर करंट अफेयर्स आ गया और करंट अफेयर्स जो है यही हमारे हिंदुस्तान में क्या करेंगे यही हमारे जो है करने वाले हैं हमारे डिसीजन भैया जिसने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होगा उसके मार्क्स आएंगे पहले बता रहा हूं तो गाइस अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो हमारा जो फेसबुक है उसने हमारे इन एक्सक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक को जारी किया जिसमें बहुत सारे स्टेट्स जो है वो हमारे पार्टिसिपेट किए जैसे कि स्वीडन ने इसमें टॉप सीट मतलब स्वीडन को उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरनेट हमारे सूचकांक में स्वीडन को टॉप का स्थान दिया हिंदुस्तान जो है वो इसमें काफी पीछे है यह हमारे हिंदुस्तान का स्थानी नाइन है कौन सा स्थान है उनचासवे नंबर पे हमारा इंडिया है तो हमको यह भी याद रखना है कि हिंदुस्तान का रैंक क्या है तो फेसबुक हमारे मार्क जुबर वर्ग के द्वारा बनाई गई कंपनी है इन्होंने इंस्टाग्राम व्हाट्सअप सबको ही खरीद लिया है तो दैट द राइट आंसर फेसबुक ठीक है टॉप पे हमारा कौन सा है स्वीडन और हमारे इंडिया का रैंक है उनचास फोर्टी नाइन ठीक है आगे तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है रिंग ऑफ फायर जहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी बहुत सारी सुनामियां देखने को मिलती हैं वो कहां पर है प्रशांत महासागर अटलांटिक ओशियन हिंद महासागर या आर्कटिक ओशियन देखते कितने लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल एक्यूरेट पता है और कितने लोग जो है वो तुक्का लगाने वाले तो यहां पर बहुत दिनों के बाद जो है अरुण केशव दिखाई दे रहे हैं आजकल हमारी क्लास में नहीं आते हैं है ना तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि सर जो जापान वाला हिस्सा है जापान के आसपास का हिस्सा है जहां पर बहुत सारे तूफान बहुत सारे सुनामी आए दिन आते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर का हिस्सा प्रशांत महासागर हमारे इन सारे महासागर में सबसे बड़ा है अगर हम इसको देखेंगे तो ये ओवल का सेप का है या कई लोग इसको त्रिभुजाकार भी बताते हैं लेकिन इसका मेन सेप है अंडाकार ओवल सेप का है इसके एक तरफ हमारे अमेरिकन कंट्री है तो एक तरफ एशियन कंट्री है ठीक है तो ये भी हमको याद रखना है राइट आंसर पैसिफिक ओशियन आगे चलते हैं हमारे पास आता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एडवाइज डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर विच हमारे यहां पर अगर दो राज्यों के बीच में जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद हो रहा है या दो राज्यों के बीच में अपनी सीमा को लेकर के विवाद हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आकर के इंटर इंटरप्रिटेट करता है यह अधिकार उनका कौन सा अधिकार है दैट वाज़ अ एडवाइजरी ओरिजिनल जुडी सेक्शन है एपिलेट जुडिसक्शन है या उनका जुडिपर्स है मतलब उनका न्याय शास्त्र है क्या होना चाहिए गाइज यहां पे सही जवाब सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं चलिए यहां पर जनता का जवाब आ गया है कि सर ओरिजिनल एपिलेट होना चाहिए ओरिजिनल इनका डिसीजन होना चाहिए तो यहां पर जितने लोग सुप्रीम कोर्ट के जुडी सेक्शन की अगर बात जानते होंगे तो उनका जो ओरिजिनल डिसीजन होता है बिल्कुल जिसमें वो हमारे क्या कर सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाकर के इंटरविनेट कर सकते हैं वो हमारे ओरिजिनल जुडी सेक्शन के तहत आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने कई बार बात की है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे आ, पार्ट नंबर सिक्स में आपको देखने को मिलेगा पार्ट नंबर सिक्स में हमारे सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है और पार्ट नंबर सिक्स के आर्टिकल नंबर एक में वन टू का फोर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया अब उसके बाद से इसके कई सारे जो हैं वो अधिकार क्षेत्र बताए गए उनमें से एक अधिकार क्षेत्र है ओरिजिनल जिसको हम लोग आर्टिकल नंबर का वन में पढ़ते हैं एक सौ इकतीस कोर्ट में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। पहले हमको लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं आर्टिकल नंबर 139, 131 में बताया गया है जहां पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी

तो एक सौ नंबर हमारे अपील करने के सुप्रीम कोर्ट के पावर को बताता है ठीक है हमारे एक एग्जाम में पूछा गया था पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है तो 140 नंबर वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पावर की तरफ आता है ठीक है हमारे ये प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं और ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि जब प्रेसिडेंट को सलाह देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट तो वो कौन से हमारे आर्टिकल में आता है जिसको हम लोग एडवाइजरी सेक्शन कहते हैं तो ये हमारे आर्टिकल नंबर 143 में आता है तो ये कुछ बातें हैं जो हमको याद होनी चाहिए जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर को बताइए ठीक है चलिए आगे की तरफ चलते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने वाला है एडवाइजरी समझ गए आप लोग ओरिजिनल समझ गए समझ गए और रिट्स भी समझ गए तो आगे की तरफ चलते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड बाय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जजेस और एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है इसको कौन अपॉइंट करता है जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखते कितने लोगों को जवाब जवाब पता है और वो देने वाले फटाफट से जवाब देना है भाई चलिए यहां पर जनता बोली है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर वन टू के फोर में बताया गया है और अपॉइंटमेंट ऑफ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कौन करता है तो वो करते हैं हमारे बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं हमारे बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब जितने लोग पर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है तो जो है तो जो वो हमारे सीजीआई के और साथ ही साथ किसका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे अदर जजेस का अदर जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं साथ ही साथ ओथ दिलाते हैं गाइज यही नहीं हमारे जो हाई कोर्ट के भी जजेस होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं लेकिन इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं गवर्नर आज बहुत सारे गवर्नर चेंज हुए हैं, तो वो भी आपको याद रखना है आगे चलते हैं? हमारी जनगणना है सेंसस 2021 का विषय क्या है रोहित यहां पर जवाब क्या दे रहे हैं बबली क्या जवाब दे रहे हैं सर यहां पर अगर सही जवाब की अगर बात करें तो 2021 का हमारे जो जनगणना का विषय है जितने लोग यहां पर बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं हमारे देश में हर दस साल में जनगणना होती है हर दस वर्ष में हमारी जो है वो जनगणना होती है सबसे पहली पूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में लॉर्ड रिपन जब वॉयस राय थे जिनको हम लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं जिन्होंने एल्बर्ड बिल को पेश किया था उनके शासन काल में हुई और उसके बाद से हर साल हमारे हिंदुस्तान में जनगणना होती है तो यहां पर इस साल की जनगणना का थीम है जनगणना से जन कल्याण तक आगे तक चलते हैं मंजीरा नदी इंद्रावती नदी पूर्णा नदी ये किसकी सहायक नदियां हैं गाइस रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार मैं इस चीज को जोर दे के बोल रहा हूं और यहां पर जितने भी एग्जाम होंगे एसएससी और रेलवे के उसमें रिवर सिस्टम ना पूछे तो बोल देना तो मजीरा नदी इंद्रावती नदी पूर्णा पूर्णा नदी ये सभी जिसकी सहायक नदियां हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस नेहा फटाफट से बताओ तो जनता का जवाब आना शुरू हो गया है कि सर हमारी जितनी भी मजीरा नदी हो गई हमारी पूर्णा नदी हो गई ये सभी की सदी नदी हमारी जिसकी सहायक नदियां हैं वो है हमारी गोदावरी नदी जिसको हम लोग बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं बृहद गंगा दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं ये हमारे त्रंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकल रही है त्रंबकेश्वर कहां पे गए नासिक से निकल रही है और उसके बाद से ये हमारी चौदह किलोमीटर की यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है गाइस जो सहायक नदियां हैं वो मंजीरा नदी इंद्रावती पूर्णा नदी बेनगंगा ठीक है ये सभी के सभी हमारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं और ये बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बारडोली किसान सत्याग्रह किस नेता ने किया था टी टी कृष्णाचारी बलदेव सिंह अबुल कलाम आजाद या पटेल जी यहां पर तानिया का मानना है इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए बारडोली सत्याग्रह बारडोली हमारे गुजरात की एक जगह है जहां के किसानों के लिए आंदोलन किया गया हमारा 1928 में और इसको करने वाले जो हमारे देश के नेता थे वो थे आयरन मैन जिनकी याद में इकतीस अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस मनाते हैं कौन सा दिवस मनाते हैं एकता दिवस यूनिटी डे मनाते हैं और उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल क्योंकि इस आंदोलन के बाद गांधी जी ने उनको सरदार की उपाधि दे दी ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल या आ, हमारे सरदार पटेल के ऊपर आप टिक कर सकते हो आई आर डी पी वॉज इंट्रोड्यूस इन विच फाइब इन हमारा जो है आई आर डी पी जो हमारा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था तीसरी छठवीं पांचवीं या चौथी देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब पता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं और इसी हमारे साल में नाबार्ड की भी स्थापना की गई नाबार्ड मतलब रूरल बैंक इसी हमारे कार्यक्रम के तहत तो गाइज हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं हमारे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने चलाया था उन्नीस से लेकर के 1985 तक की योजना जिसको हम लोग छठवां फाइव ईयर प्लान बोलते हैं सिक्स फाइव ईयर प्लान बोलते हैं और इसी प्लान के तहत 1982 में गांव के विकास के लिए कमेटी के रिकमेंडेशन पर गाइस कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन परिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा गाइज ये पूरी तरीके से हमारी कैसी बॉडी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर टिक करेंगे guys, बहुत सारे लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना लेते। पांच योजना बोल जो हमारी पंचवर्षीय है guys, इसका मुख्य उद्देश्य था 1974 से लेकर के तक चार साल तक यह परियोजना चली थी इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ गरीबियों को नहीं हटाओ गरीबी हटाओ जो परियोजना है वो इसी के तहत चलाई गई थी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की तरफ तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे ग्रेविटी मतलब तो स्मॉल जी की वैल्यू पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की वैल्यू कितनी होती है नाइन पॉइंट जीरो होती है या हमारे एक होती है सरफेस पर तो यहां जनता बोलेगी सर बहुत इजी क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है तो यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए तो जनता बोलेगी सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर थ्री नाइन पॉइंट एट जितने लोग यहां पर नाइन पॉइंट एट बोलेंगे उनका जवाब बिल्कुल सही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकिन गाइज अगर हम लोग देखेंगे ये वैल्यू चेंज होती रहती है अगर आप देखेंगे तो ये हमारी इक्वेटर पर क्या होती है ये हमारी इक्वेटर पर सबसे कम होती है सबसे कम कहां पर होगी भूमध्य रेखा पर और सबसे ज्यादा होगी पोल्स पर पोल का मतलब ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज्यादा होगी अगर हम लोग यहां पर गाइस बात करेंगे जैसे हम चंद्रमा पर जाएंगे हमारे जी की वैल्यू जी बायस हो जाती है मतलब छ गुना कम हो जाती है बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है अभी हमारे जितने भी रेलवे और एसएससी के एस्पिरेंट है यहां से याद रखिएगा या, आगे तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता और ये हमारे लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में समझ करिए आप एग्जाम में बैठे हुए और कितने लोग यहाँ पर जवाब देने वाले जनता कि सर सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर इस बार कई सारी चीजें की गई पराक्रम दिवस चलाया गया कालका मेल का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस रख दिया गया और उसी तरीके से इस बार जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया मनाया जाता है फेस्टिवल जो है ये कौन से राज्य में हर साल मनाया जाता है दैट वॉज उत्तराखंड जम्मू कश्मीर मिजोरम नागालैंड क्या होना चाहिए गाइज यहां पे सही जवाब यहां पर कंप्यूटर जी लग रहा है जनता बोले से सही जवाब हर बिल फेस्टिवल नागालैंड 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 तो जितने लोग यहाँ पर नागालैंड बोल रहे हैं बिल्कुल सही है अभी सही है तो नागालैंड जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तो नागालैंड इज द राइट आंसर जितने लोग नागालैंड बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है कोहिमा यहाँ की कैपिटल है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर दीमापुर जो है यहाँ का सबसे बड़ा शहर है तो नागालैंड कैपिटल है हमारी कोहिमा दीमापुर यहाँ के जो हमारे नेशनल पार्क का नाम है वो है इंटकी नेशनल पार। इंट पार्क इंटकी नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हार्नबिल फेस्टिवल देखने को मिलेगा लेकिन इस बार इसको शिफ्ट कर दिया गया नागालैंड से शिफ्ट कर दिया गया त्रिपुरा में सिर्फ इस साल के लिए तो अगर आपसे पूछा जाएगा 2021 का हमारा हार्नबल फेस्टिवल कहां पर मनाया गया तो 2021 का जो है वो हार्नबल फेस्टिवल मनाया गया हमारे त्रिपुरा में लेकिन हर साल नागालैंड में होता है आगे तक चलते हैं एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी फॉर एनी सब्सटेंसिस

आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं घनत्व तो बोलते हैं द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम आयतन की यूनिट होती है मीटर क्यूब तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो जितने लोग यहां पर दो नंबर बोलेंगे वो एकदम एक, एक नंबर जवाब दे रहे हैं ठीक है तो डेंसिटी की यूनिट होती है हमारी मीटर पर क्यूब लेकिन अगर यहीं पर लगा होता रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी मतलब सापेक्षिक घनत्व तो, तो उसकी यूनिट होती है यूनिटलेस कोई भी यूनिट नहीं होती है यूनिटलेस होती है क्योंकि वो हमारे दो घनत्व का रेशियो होता है आगे की तरफ चलते हैं इनमें से कौन सा हमारा एक एनिमल टिश्यू नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनिमल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू मसल टिश्यू पैर टिश्यू कनेक्टिंग टिश्यू क्या होना चाहिए एनिमल टिश्यू नहीं है जल्दी से जनता जवाब देगी यहां पर नेहा पूछ रही सर डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस अवार्ड किसको दिया गया है तो राजेंद्र भंडारी बफरिंग होने लगा था हो सकता है तो राजेंद्र भंडारी जी ऑप्शन नंबर एक को दिया गया था ठीक है तो यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए तो भैया यहां पर हमारे इपीथैलियल ये जो हमारे ऊपर वाला है है मसल टिश्यू जो कि हमारे मसल्स जिससे मिलकर बने हुए हैं कनेक्टिंग टिश्यू भैया बोन्स ब्लड ठीक है लिगामेंट ये सभी के सभी क्या है हमारे कनेक्टिंग टिश्यू है लेकिन पैरन कायमा जो है ये प्लांट टिश्यू है ये यहां पे क्या कर रहा है ठाकुर इसको हटा दो यहां से तो पैरन कायमा हम लोग प्लांट टिश्यू के ऊपर टिक करेंगे जितने लोग यहां पर बोल रहे हैं तीन नंबर वो एकदम एक नंबर है आगे तो चलते हैं एंटी मनी एंटी मनी का सिंबल क्या होता है ए जी एस बी पीबीडब्ल्यू जल्दी से जनता जवाब देगी क्या होगा मतलब तुम्हारा एकदम 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 सही 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 था सही था शारदा तुम्हारा एग्जाम में करके आना तो हमारा एंटी मनी, एंटी मनी क्या एक सेमी है एक ना ही ये इंसुलेटर है और ना ही कंडक्टर है सेमी कंडक्टर है बीच का है ठीक है तो अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो हमारे एजी है ये सिल्वर का होता है एजी ओजी लोजी सुनोजी सिल्वर का जो सबसे अच्छा कंडक्टर है बेस्ट कंडक्टर है लेकिन बहुत महंगा है इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते पी जो है इसका सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं लेड और ये जो है हमारा सबसे वर्स्ट कंडक्टर है जितने भी मेटल है उनमें सबसे खराब कंडक्टर यही है डब्ल्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये है हमारा क्या तो ये है हमारा बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हो टंगस्टन टंगस्टन है और गाइस जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे हाईएस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं पूछूंगा सबसे ज्यादा कौन से मेटल का होता है तो टंगस्टन है जिसको टंगू बोलते हैं याद रखिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि इससे बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते थे अब बचा एस बी एस बी हम लोग बोलते हैं एंटी मनी जितने लोग दो नंबर बोल रहे हैं उन सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है आगे तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक टेक वेज एंड मीन एडवांस फ्रॉम होम राज्य सरकार या केंद्रीय बैंक अधोपाय अध्रिम किससे लेता है आरबीआई से आईडीबीआई से, से एसबीआई से या आर आई डी ए आई से राज्य सरकार को अगर लोन लेना है तो वो किससे लेंगे यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूज दिखाई देंगे जनता तो भैया केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को बैंक लेना है तो वो अपने बैंक के पास जाएंगे तो गाय गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है गवर्नमेंट तो का बैंक जो है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है ये गवर्नमेंट का बैंक है जिसको एक अप्रैल को स्थापित किया गया था एक अप्रैल 1935 को आरबीआई को आरबीआई एक्ट बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई एक्ट उन्नीस सौ को इस एक्ट के तहत आरबीआई को बनाया गया ये जिस कमेटी के पे बना था उसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया लेकिन आपको पता है ये कलकत्ता में, हुआ करता था, कलकत्ता में इसका हुआ करता था, प्राइवेट एंटिटी थी पांच करोड़ के साथ खुला गया लेकिन बाद में इसको कहां कर दिया गया हेडक्वार्टर बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में 1937 में आपको यह भी याद रखना है अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है ठीक है अब इसकी कैपिटल जो है वो काफी ज्यादा हो गई है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके पहले गवर्नर का नाम था ओएस ब्राउन स्मिथ ओएस ब्राउन स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे हमारे आरबीआई के और अभी के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिमान मतलब शक्तिकांत दास ठीक है चलिए आगे तक चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है आपको बताना है जून 2021 में विश्व योगा सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने संबोधित किया पीयूष गोयल डॉक्टर हर्षवर्धन नितिन गडकरी या हरदीप सिंह पुरी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है हमारे विश्व योगा सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया हुआ है जल्दी से जनता जवाब देगी जितनी जनता जवाब देगी हम लोग उतनी जल्दी आगे तरफ चलेंगे यहां पर जनता देखें तो 2014 में मोदी जी जो जब आए गवर्नमेंट उन्होंने यूएन से बोल करके यूएन को रिकमेंड किया कि हमारे यहां पर

Guys, है तो राजस्थान का एक चीज तो हमको यहां पर क्लियर हो गई लेकिन राजस्थान में हमारे कौन से जगह का, <coughs> तो का है तो यहां पर जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए हमारे जालौर डिस्ट्रिक्ट का है तो जालौर आप लोग यहाँ पर टिक करेंगे तो अंक मिल जाएगा आगे तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द जेंडर गैप इंडेक्स हमारे जो जेंडर गैप इंडेक्स है मतलब पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो गैप है वो उसमें हमारी रैंक कौन सी है एक सौ चालीसवीं बयालीसवीं सत्ताइसवीं या फोर्टी नाइन नंबर टॉप का कंट्री मैंने आपको कई बार बताया है कि आइसलैंड जो है वो टॉप का कंट्री है इंडिया का नाम बता दो इंडिया का नंबर बताओ जल्दी से कौन बता रहा है सबसे पहले यहां पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए क्या होना चाहिए तो सही जवाब होना चाहिए बिल्कुल आप लोग तो सही पिक कर रहे हो ऑप्शन नंबर एक सौ चालीस यहां पर लिखा हुआ है एक नंबर तो 140 नंबर जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल एक नंबर है गाइस अभी हाल में हुए जितने भी हमारे इंडेक्सेस मैं आपको बता देता हूं एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स अभी मैंने आपको बताया हम लोग फोर्टी नंबर पे इंटरनेट के इस्तेमाल करने में फोर्टी नंबर पर प्रेस अह प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वें नंबर पे ठीक है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके बाद से अगर हम लोग बात करें हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 87वां रटा होना चाहिए एक सौ चालीसवा हमारा जेंडर गैप इंडेक्स में एक सौ इंडेक्स में है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हमारा uh, नंबर पे है और अगर हम लोग बात करें तो हमारा किस में? तो हमारा इंटरनेट एक्सक्लूसिव ग्रोथ में हमारा फोर्टी नाइन नंबर है सब कुछ रटा होना चाहिए ऐसे ही आगे तक चलते हैं अशोक के जो शिला लेख है वो कौन सी लिपि में लिखे गए दैट व देवनागरी फारसी प्राकृत में है या ब्राह्मी में जल्दी से बताइए अशोक के शिला <coughs> चलिए तो यहाँ पर जनता बोलेगी सही जवाब क्या होना चाहिए तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर सा सही जवाब होना चाहिए दैट द राइट आंसर ब्राह्मी खरोष्ठी लैंग्वेज में लिखे गए हैं तो ब्राह्मी खरोष्ठी जितने लोग बोलेंगे उनका जवाब तो ब्राह्मी खरोष्ठी और अरेमिक ये तीन में हमें अशोक के शिलालेख देखने को मिलेंगे और तेरव नंबर वाले शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है कि कलिंग का युद्ध हमारा 261 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था और ब्राह्मी खरोष्ठी और अरेमिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं जिसको हमारे इंक्रिप्ट करने का जो श्रेय है जेम्स प्रिंसेप को जाता है किसको जाता है जेम्स प्रिंसेप ने इनको डिकोड किया था तो ये भी हमको याद रखिएगा दैट वाज द राइट आंसर आगे एक तरफ चलते हैं आपको बताना है कि व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज को स्टोर करने का जो हमारे स्टोरेज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंसुलिन ग्लाइकोजन ग्लूकोजन या हमारा फ्रक्टोज हमारा ग्लूकोज स्टोर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ <laughs> पर जनता बोले कि सर सही जवाब होना चाहिए हमारा जो ग्लूकोज स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनता बोले कि सर ग्लाइकोजन बोलना चाहिए जितने लोग ग्लाइकोजन बोल रहे हैं उसका उनका जवाब बिल्कुल सही है दैट द करेक्ट आंसर हमारा इंसुलिन हम लोगों ने देखा था कि एक हार्मोन है जो हमारे कहाँ से पेंक्रियाज से निकल रहा है और ये हमारे शुगर को डाइजेस्ट करता है आगे तब चलते तो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तो यहाँ पर पच्चीस क्वेश्चन हो चुके समाप्त ट्वेंटी नंबर जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पूरे के पूरे कर लिए तो एक बार हम लोग जल्द जो है वो जल्दी से फटाफट इनका रिवीजन करेंगे जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए उन सभी का जल्दी से रिवीजन उनका जवाब बिल्कुल सही है आगे चलते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मोस्ट एविडेंट मटेरियल इन द अर्थ क्रस्ट अर्थ ही क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मटेरियल कौन सा है तो यहां पर जनता बोलेगी सर ऑक्सीजन होना चाहिए जितने लोग यहां पर ऑक्सीजन बोल रहे हैं यहां पर उनका जवाब बिल्कुल सही है ठीक है यहां पर अगर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर हमारे सबसे ज्यादा अर्थ के क्रस्ट पर पाया जाता है लेकिन अगर मैं यहां पर ओवरऑल अर्थ कर देता सिर्फ यहां पर अर्थ तो आयरन आपका सही हो जाता है यह ये मैंने यहां पर आपको बताया था आगे की तरफ चलते हैं हमारे स्टैंडर्ड स्केल ऑफ स्केम्परेचर हमारे टेम्परेचर का स्टैंडर्ड स्केल क्या है तो आप लोगों ने लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिसका रेंज माइनस थर्टी सेवन से लेकर के तीन सौ छप्पन डिग्री होता है ठीक है तक मीजर कर सकते हैं यहाँ पर जितने लोग बोलेंगे सर सही जवाब होना चाहिए मरकरी या हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर उनका जवाब बिल्कुल सही है आगे तब जाते हैं आपको उस जहाज का नाम बताना था जिससे विलियम हॉकिंस आए थे उस जहाज का नाम था हेक्टर सूरत में सबसे पहले आए थे 1608 में जहांगीर में आपको यह भी याद रखना है आगे तब जाते हैं प्रभाकर वर्धन के बेटे का नाम क्या था प्रभाकर वर्धन के बेटे का नाम था आदित्य वर्धन जितने लोग यहाँ पर आदित्य वर्धन जवाब दिए थे उनका जवाब सही था इस इस वंश के राजा हर्षवर्धन भी थे जिन्होंने अपनी कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट की और नर्मदा नदी के किनारे पुलकेसन सेकंड इनको हराया था तो ये भी हमें याद रखना है आगे समावेशी इंटरनेट 2021 में हमारा किसने प्रस्तुत किया है किसकी मदद स्वीडन जो है वो का कंट्री है तो आप सभी ने बोला सर फेसबुक होना चाहिए फेसबुक मार्क जुबर की कंपनी है और इंडिया की रैंकिंग 49 है बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का रिंग ऑफ फायर जो है ये कौन कहां पर देखने को मिलेगा तो हमारा पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा आपको ये याद रखना है जापान के आसपास के एरिया जहां पर बहुत भूकंप आते हैं वो पेसिफिक एशियन का रीजन है आगे अगर हम लोग देखेंगे पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हमारे, तो हमारे तमिलनाडु और हमारे कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद इस पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था यह उनका ओरिजिनल जुडिस सेक्शन है जो आर्टिकल नंबर एक सौ इकतीस के तहत बताया गया है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है आर्टिकल नंबर एक के तहत हम लोग अपील कर सकते अगर एक कोर्ट में हार गए

पर मैंने फिर आपको बताया था कि दस साल में एक बार होती है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि इनकी बीच में ही मृत्यु हो गई आगे तो चलते हैं मजीरा इंद्रावती पूर्णा नदी किसकी सहायक नदियां जो कि हमारे नासिक से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल रही है बृह गंगा के नाम से इसको जानते हैं क्या नाम होना चाहिए तो जनता बोली कि सर सही जवाब होना चाहिए गोदावरी नदी गोदावरी नदी नासिक से निकलती है महाराष्ट्र से और बंगाल खाड़ी में जाती है आगे चाहेंगे बारडोरी सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चनचारी बलदेव अबुल कलाम अबुल आपके पास है उन्नीस सौ अट्ठाईस में यह आंदोलन हुआ जिसके बाद सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी इकतीस अक्टूबर को हम लोग इनके जन्म पर यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पर चार नंबर राइट आंसर आगे चलते हैं आई आर डी पी वॉज इंट्रोड्यूस इन विच प्लान हमारे आईआरडीपी को किस योजना के तहत लाया गया जिसके तहत नाबार्ड को बनाया गया था योजना प्लान के नाम से जानी जाती है। पर सिक्स प्लान उनका जवाब बिल्कुल सही है ठीक है गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचायत योजना में दिया गया चौहत्तर से अठहत्तर तक।, तक ठीक है आगे के चलते बताना है पृथ्वी की सतह पर गुप्त आकर्षण का मान कितना होता है जो कि हमारे सबसे ज्यादा जो है वो हमारे तो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार दो हजार इक्कीस किसको दिया गया द डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी हमने यहाँ पर देखा सही जवाब था कई लोगों का यहाँ पर बफर हो गया था यहाँ पर राजेंद्र कुमार भंडारी इज द राइट आंसर आगे की तरफ चलेंगे हनविल फेस्टिवल जिसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं ये कहां सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड जम्मू कश्मीर मिजोरम नागालैंड यहाँ पर जनता बोलेगी सही जवाब होना चाहिए नागालैंड कोहिमा में सेलिब्रेट होता है इंडकी नेशनल पार्क दीमापुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और इस साल ये इस फेस्टिवल को त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया दो में हमारी किसी भी डेंसिटी को जो यूनिट होती है वो क्या होगी यहाँ पर आप लोगों ने ऑप्शन देखे और बहुत जल्दी आप लोगों का जवाब आया था इसको लेकर के पर जनता बोलेगी सही जवाब होना चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब मतलब किलोग्राम मतलब मास द्रव्यमान का होता है, है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जितने बोल है, उनका जवाब हमने यहाँ पर पूछा था कौन सा हमारा एनिमल टिश्यू नहीं है tissue, tissue, tissue या यहां बोले कि सही जवाब होना चाहिए टिश्यू क्योंकि ये प्लांट टिश्यू है बाकी के सारे हमारे एनिमल्स में पाए जाते हैं एंटी मनी का सिंबल पूछा ए जी एस बी पीबी और डब्ल्यू में जनता ने इसको भी पिक कर लिया भैया पे सही जवाब होना चाहिए क्या सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर लेड इज द वर्स्ट कंडक्टर डब्ल्यू का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है तो बच्चा हमारा कौन सा एस बी एस बी कौन लोग एंटी मनी बोलते हैं वेरी गुड आगे तब चलते हैं आपको बताना है कि हमारे वेज एंड मीन एडवांस फ्रॉम होम हमारे अधोपाय अग्रिम अगर स्टेट गवर्नमेंट या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना हो तो किससे लेगा आप लोगों ने बोला था कि गवर्नमेंट का बैंक जो होता है जो बैंकों का बैंक होता है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक अप्रैल 1935 से काम कर रहा है आरबीआई एक्ट तो के के तहत हिल्टन यंग कमेटी रिकमेंडेशन पर बनाया गया था पहले इसका क्वार्टर कलकत्ता में था अब मुंबई में देखने को मिलेगा आरबीआई इज राइट आंसर आगे तक तो जाएंगे हु एड्रेस द एनुअल सेरेमनी ऑफ ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस दो हमारा योगा कॉन्फ्रेंस दो का उद्घाटन किसने किया पीयूष गोयल हर्षवर्धन नितिन गडकरी पुरी जनता ने बोला 2014 से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है सात साल हो चुके हैं और इसको हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने एनोग्रेट किया था जो कि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है आगे तो जाएंगे हमने यहां पर ड्रम फोक डांस पूछा कि कहां पर होता है राजस्थान में होता है लेकिन राजस्थान के कहां पर होता है बांसवाड़ा झालवाड़ जालोर या उदयपुर बिल्कुल सही यहाँ पर जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए बिल्कुल जालोर डिस्ट्रिक्ट जितने यहाँ पर जालोर बोल रहे हैं उसका सही जवाब है

तो गैस, पांच बजे का जो अलार्म जिन लोगों ने सेट कर लिया है रेगुलर रेगुलर जो है पांच बजे अलार्म जिन लोगों ने सेट कर लिया है वो लोग वीडियो को लाइक करें और जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज अलार्म सेट कर ले बजे रेगुलर क्लास होने वाली है कल साढ़े दस बजे की जो हमारा महासंग्राम है वो पहले पार्ट की कल अंतिम क्लास है मतलब हमारी महासंग्राम की क्लास की विदाई है तो उस विदाई समारोह में आप सभी लोग आमंत्रित हैं ठीक है आमंत्रित है कल के साढ़े दस बजे वाली जो कि अंतिम क्लास होगी मिलते हैं कल साढ़े दस बजे यूट्यूब पे